like I'm floating through the air. Hey guys, welcome to my new vlog. मैं सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ गया हूँ. अभी पूरा बाहर अंधेरा है, अभी कोई भी नहीं उठा घर में और जल्दी खुल गई मित्री मेरी नींद. तो आया हूँ मैं थोड़ी चाय जी बना रहा हूँ अपने लिए. तो अभी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग डालूँ, क्योंकि आयरलैंड में उतना टाइम नहीं मिलता है. यहाँ पर कोशिश करूँगा मैं डेली ब्लॉग डालूँ और आगे आयरलैंड में भी डेली डालने की कोशिश करूँगा. तो प्लीज़ आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखना और मेरे ब्लॉग देखते रहना. तो फाइनली दोस्तों धूप भी आ चुकी है, बहुत मस्त मौसम हो रखा है और अभी मैं जा रहा हूँ इंट्रोड्यूस कराने अपने हमारे घर के जो अदर्स मेंबर हैं. तो रवि ने इंट्रोड्यूस कराएगा, क्या है रवि ने इसका नेम, इसका नाम क्या है? नाम है गोल्डी. अच्छा, और इसका? इसका नाम है खुशी. अच्छा खुशी, हाँ जी. और इसका? इसका नाम चूम है. चूम इसको चूम बोलते हैं प्यार से, बहुत छोटा है ना. इसका नाम चुटकी है, वैसे पर इसको प्यार से चूम बोलते हैं. अच्छा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम नट्टू. हाँ जी. अच्छा नट्टू, कांच क्या फेंक रहे हैं? ये कौन है? ये मिस मनीषा. इसका नाम है मिस मनीषा रावत. ये दूसरी मनीषा. और ये कौन है? कालू. ये माता श्री है, धूप से करीब. अच्छा शी इज माय वाइफ. अरे बाप रे, अंकित अंकित बोल रहा है ऐसा, बोलो बोलो शी इज माय वाइफ. मिस अंजलि फटाफट दे, उंडी उंडी दे फटाफट. हाय गाइस. हाय गाइस. हाय गाइस, ये है विद्यार्थी. अच्छा, तो दोस्तों ये है हमारा घर, ये चाचा जी का घर है और ये हमारा पीछे घर और ये है नीचे पूरा का गांव. इतना प्यारा, रात को बहुत अच्छी बारिश हुई है, अभी मस्त व्यू आ रहा है. कल तक पूरा धूल ही धूल थी और ये ऊपर की तरफ गाँव है. दोस्तों ये जो हमारा बिकोल गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, कम से कम उसमें 600 लोग आई थिंक रहते हैं, तो बहुत बड़ा गांव है. तो और ये नीचे पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा गांव ही गांव है और भी नीचे घर है और वो साइड नीचे भागीरथी नदी, गंगा नदी और ये पूरा ऐसा सा. तो एकदम जन्नत वाली फीलिंग आ रही है. तो दोस्तों आज है मेरी छुट्टी का पहला दिन, पहली सुबह जन्नत में, इस हसीन जन्नत में. और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा आज. कल रात को बहुत बारिश हो रही थी और अभी एकदम साफ हो गया मौसम और बस आज दिन की शुरुआत हो गई. तो अभी खाना पीना होके रेडी हो चुके हैं. देखते कुछ प्लान तो है नहीं भी कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाएंगे. तो दोस्तों जिन में जाने का तो प्लान तो कहीं, लेकिन मैं सो गया था क्योंकि थकान लग रही थी, अभी उठाऊँ तो अभी शायद कल जाएंगे कहीं. तो दोस्तों ये बनती है घर पे रोटी लकड़ियों के ऊपर. इसकी रोटी बहुत ही टेस्टी होती है और अभी हम सब बैठे हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं और ऐसा मतलब जो माहौल होता है बहुत कम देखने को मिलता है. बहुत लंबे टाइम बाद घर पे हूँ
और ये जो रोटी है गैस पे चाहे कैसी भी रोटी बना ली आप, लेकिन इसके जैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये सब है रबीना मिश्र अबू, ये दो मरीसा गुंडा पीड़े आना यार बीच क्यों क्यों है तो यार झटका लग यार। अच्छा मैच खेलने बार होगी इंजरी होगी मैंने मैच खेल बार। अच्छा तो मिस्टर अंकित आज इंजर हो रखे हैं, मैच खेलने गए थे और ये कितना स्कोर किया आपने, कल स्कोर कर दूँ अरे 9-10 रन मार लिया बस। अच्छा मैं बॉलिंग में हुआ इंजर। अच्छा आ जा भाई, हां जी खोल दे वो सेटे प्लीज मन्नू मन्नू तब हो बीमार तो है माताजी। माताजी तब मैं इनके बोल रहा आज कुछ बोलना कुछ नहीं बोला तानी ब्लॉग बोलना तो दिया नहीं तू के लाभ लाभ हानि और लाभ कुछ नहीं तानी बस तो है तेरे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं क्या पढ़ रहा है गोली राजनीतिक राजनीतिक क्या पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है पॉलिटिकल। अच्छा चल अभी खा रहे हम गढ़वाली खिचड़ी। अच्छा हाँ क्या पढ़ रही अंजलि, मैं फाइल बना रही हूँ। तो दोस्तों कोई रात का नजारा कुछ इस तरह दिखता है गाँव में, इतना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों खाना खाने बैठ रखे हैं मस्त घर की सब्जी आलू और क्या है मस्त घर की हरी सब्जी और आलू पालक बहुत लंबे टाइम बाद। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय उत्तराखंड।